कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार अशोक तंवर ने फतेहाबाद के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों से पोल हुए वोट की जानकारी भी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज्य में करवाए गए विकास कार्य को लेकर जनता उन्हें वोट दे रही है। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में बीजेपी ने जो हालात देश में पैदा किए हैं उसी को देखते हुए जनता वोट कर रही है। वही अशोक तंवर ने सिरसा लोकसभा सीट से अपनी जीत का दावा किया। माहौल ठीक है, शुरुआत में कई जगह मशीनों में जानकारी खराबी की वजह से एक डेढ़ घंटा मतदान थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अब ठीक है, सुचारू रूप से है। और हमेशा की तरह हमें विश्वास है कि सिरसा संसदीय क्षेत्र पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतदान करेंगे। क्या लोगों का संदेश देंगे? लोगों का संदेश तो यही है कि जो वायदा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने की, ना 15 लाख दिए, ना रोजगार दिए, दिया तो जंगल राज दिया, बार बार हरियाणा जलता हुआ दिखाई दिया, और किसान मजदूर सड़कों के ऊपर रहे, कर्मचारी छोटा दुकानदार वो त्रस्त रहा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी है जो इलाके की बेहतरी कर सकती है। हमारा यहाँ सिरसा से लेकर के हिसार तक जो रेलवे लाइन थी, वहाँ अग्रवा फतेहाबाद, वो प्रपोजल ड्रॉप कर दिया वर्तमान सरकार। और आने वाले समय में इस इलाके में यूनिवर्सिटी तमाम और जो मेडिकल कॉलेज और सुविधाएं हम चाहते हैं, बड़े बड़े उद्योग चाहते हैं, तो कांग्रेस ही एकमात्र उसके लिए बदलाव का विकल्प। टोहाना के अंदर अब इसके बारे में है, ये तो मुझे तो इसका जानकारी नहीं, लेकिन कई जगह शिकायतें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं धन का उपयोग कर रहे हैं, कहीं बल का कर रहे हैं, और कई जगह जो है वो इस तरह का जाली काम भी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हार की ओर अग्रसर है और इसलिए इस तरह के हरकतें वो कर रहे हैं। क्या ऐसा चुनाव आयोग में इसकी कोई शिकायत जो चीज़ें आएंगी सामने, तो लोकल हमारी वहाँ की यूनिट ने किया भी होगा, और हमारे संज्ञान में कोई भी बात आएगी वो तो ऊपर सामने रखते हैं। फतेहाबाद के टोहाना इलाके में सुभाष बराला के भतीजे द्वारा ईवीएम के पास पहुंचकर एक महिला को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की वायरल वीडियो पर अशोक तंवर ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया और कहा कि भाजपा बौखलाहट में ये सब कर रही है। इंडिया एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा।